हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 पे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास आपकी होने वाली है रीजनिंग के बच्चे जो टॉपिक हैं बहुत सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को फिगर काउंटिंग का क्लास नहीं कराया ना। फिगर काउंटिंग की आप लोगों को क्लास नहीं मिली और बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ मैं लेके आया हूँ, और आप बस मात्र 10 मिनट का समय दीजिए। सारे फिगर काउंटिंग, आयत हो चाहे वर्ग हो चाहे आपका ट्रायंगल हो, ठीक है, सब कुछ आप त्रिभुज वर्ग आयत तीनों की देखो ट्रिक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, आप तुरंत निकालेंगे बस मात्र 5 सेकंड में। इस ट्रिक को आपको एक बार देख लेना है, ताकि क्लास को पूरी एक बार देख लेना, एक बार पूरी क्लास देख लो, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके बन ही जाएंगे, ठीक है। तो क्या है फिगर काउंटिंग? फिगर काउंटिंग आप कैसे करते हैं, किस ट्रिक से करते हैं, वो चीज़ मैं लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने ये कराया नहीं था। ये भी आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रीजनिंग के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। फिर एक मैं लास्ट में मैराथन लगा दूंगा, अगर आपको लगता है तो आज शाम को मैराथन लगा दूंगा, रीजनिंग के सारे टॉपिक एक साथ, सारे टॉपिक एक साथ हो जाएंगे, तो एक ही वीडियो में आप कवर कर लेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। रिवीजन करने का मतलब रिवीजन की एक वीडियो लगा दें। अब आपको रिवीजन करना है, आप कुछ नहीं करना है, क्या करना है, मात्र रिवीजन करना है। तो क्लास आज की आपकी क्या है, फिगर काउंटिंग, ठीक है। फिगर काउंटिंग मतलब फिगर को आपको गिनना है, कितने फिगर है, जैसे क्या क्या आपको फिगर काउंटिंग में देखना है, एक तो आयत देखना है, ठीक, एक तो आपको वर्ग देखना है, एक आपको त्रिभुज देखना है। ये तीन आयत आप, ये तीन चीजें आपको पढ़नी है काउंटिंग, ठीक है, ये फिगर काउंटिंग है, ठीक। इन चीजों को आपको पढ़ना है कि इनको कैसे हम गिनते हैं। क्वेश्चन फिगर दे दिया जाता है कोई, इसमें पूछता है कितने आयत बन सकते हैं, कितने वर्ग बन सकते हैं, कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन भी है वो भी लेके आऊँ, किस किस की कैसे कैसे आकृति बनती है, कैसे कैसे काउंट करते हैं, वो चीज भी। जैसे आपको मैं एक चीज दे दूंगी, स्टार्ट करता हूँ मैं कहाँ से, पहले वर्ग से स्टार्ट करता हूँ। देखो कुछ चीजें हमें देखना होता है, वर्ग कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वर्ग क्या है आज का पहला, वर्ग, ठीक। तो वर्ग के काउंटिंग, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, वर्ग, वर्ग हम कैसे काउंट करेंगे, ठीक। जैसे आपको एक दे दिया है, पहले सिंपल आपको मान लो ऐसे दे दिया है, ये हमारा होता है क्या वर्ग, वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी जिसकी चारों भुजाएं भुजाएं बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। देखो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, चारों भुजाएं बराबर हैं, इसको हम वर्ग कहते हैं, ठीक। तो कैसे हम पहचानेंगे ये वर्ग है, ये चीज भी आपको बता दी। अब वर्ग की काउंटिंग, जैसे आपको एक दे दिया तो ये एक वर्ग है, अगर आपको यहीं पे ऐसे दे दिया जाता, ठीक, इसमें कितने कितने हैं, कितने वर्ग हैं जल्दी से बताओ, सबको मालूम होगा कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, तो कितने, एक और दो, टोटल कितने वर्ग हैं, दो वर्ग हैं। अगर यहीं पे पूछ दिया जाता कि कितने आयत हैं, देखो एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखा दूं यहां पे, देखो सभी वर्ग क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं पे भी नोट कर लो, यहां पे नोट कर लो, सभी वर्ग, सभी वर्ग आयत हो सकते, आयत हो सकते, ठीक। अगर यहीं पे आयत पूछ देता तो हमारे पास कितने आते, एक दो और एक पूरा लगा के तीन, ठीक। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, बाकी दो भुजाएं बराबर ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आयत। अब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होनी, तो देखो सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, ठीक, लेकिन सभी आयत, लेकिन सभी, ये नोट कर लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, वर्ग नहीं हो सकते, ठीक। ये दो चीजें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सभी वर्ग आयत तो हो सकते हैं, सभी वर्ग आयत तो हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर यहीं पे पूछता इसमें आयत कितने हैं, तो मैं कितने लगाता, एक दो और ये पूरा बन गया तीन, आयत कितने होते इसमें, आयत तीन होते, और वर्ग इसमें कितने हैं, वर्ग मात्र इसमें दो है, तो ठीक। तो सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, चीज क्लियर कंफर्म, ठीक। अब यहां से चलता हूं, अब देखो आयत और वर्ग ये कैसे काउंट करते हैं, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ट्रिक से। देखो मिटाल दो इस चीज को, देखो अब आपने ये तो पहचान लिया, मैंने आपको एक दे दिया ये, उसके बाद फिर मैंने दे दिया ये, ठीक, जल्दी जल्दी से पहचानो,
जल्दी जल्दी से पहचानो, ये सभी मैं आयत आपको बना रहा हूँ, ये सब वर्ग हैं, सब वर्ग हैं, सभी वर्ग, ये वर्ग मैंने बनाया, ठीक है, आयत ना समझ लेना। पहले मैं वर्ग बताऊंगा फिर आयत बताऊंगा, ठीक। जल्दी से बताओ, ये मैंने चार पांच आपको वर्ग बना दिए हैं, इसमें बताओ, काउंट करो जल्दी से, इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, एक और दो, तो कितने वर्ग हैं, दो, ठीक, समझ रहे हैं ना। देखो ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ट्रिक भी बताऊंगा, इसमें कितने वर्ग हैं, एक दो तीन, कितने वर्ग हैं, तीन, इसमें कितने वर्ग हैं, देखो एक दो तीन चार, चार तो ये मिल गए, एक ये पूरा, पांच, कितने वर्ग हो गए, पांच, ठीक, समझ में आया आपको, पांच, इसमें देखो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, फिर ये देखो नौ के बाद फिर ये एक दस हो गया, फिर ये ग्यारह हो गया, एक बारह, एक तेरह, लेकिन हम ऐसे नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, यहां तक तो हम आसानी से काउंट कर ले रहे हैं, एक और दो, देखो ये नंबर और ये दो क्वेश्चन हम आराम से कर ले, लेकिन यहां पे जाने के बाद हमको होगा कंफ्यूजन, ठीक, ये जब लंबे लंबे बड़े बड़े होंगे तो इनको हम कैसे गिनते, देखो इनको हमें गिनने की यही तो हमारी ट्रिक है, ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक देखो क्या है, रो और कॉलम, देखो रो, रो हो गए फिर कॉलम हो गए, रो कॉलम को याद रखना है, ठीक, यहां पे लिख लो आर, यहां पे लिख लो सी, या तो ऐसे लिख लो, ठीक, इनका मतलब क्या होता है, आर सी मान लो, लिख लो, ये होगा हमारा रो, ये हमारा कॉलम, ठीक, ऐसे हमने अगर लिख लिया आर सी, ठीक, ये काउंटिंग हमें हटा देनी है, ठीक, ठीक, काउंटिंग हमें कैसे करनी है, देखो रो की काउंटिंग इसकी करनी है, पहले कॉलम की काउंटिंग क्या, एक और दो, रो की कॉलम काउंटिंग क्या, एक और दो, ठीक, अब क्या करना होता है इसमें, अब इसमें क्या होता है, रो गुणे कॉलम R इंटू सी, यही हमारी काउंटिंग होती है, देखो R इंटू सी होती कैसी, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे होती है, ठीक, आमने सामने, जैसे यहां पे कितने हैं, लास्ट वाला देखो, इसमें कॉलम लास्ट, लास्ट कॉलम, लास्ट, लास्ट कॉलम और लास्ट रो, ठीक, रो मतलब R, R ऐसे होते हैं, देखो लास्ट, इसमें देखो लास्ट रो की कॉलम की संख्या कितनी है, लास्ट कॉलम की संख्या हमारी दो है, ठीक, लास्ट रो की संख्या कितनी है, दो, उसके बाद फिर उससे पहले कितनी संख्या है, एक, उससे पहले कॉलम की संख्या कितनी है, एक, तो ये कितना होगा, दो दूनी चार, एक है कम एक, तो ये टोटल कितनी निकल गया हमारे पास, पांच, ठीक, अभी हमने आपको बताया था पांच, ठीक, यहां तक तो हमें कंफर्म हो गया, ऐसे ही हम अगर गिन पहले गिन रहे थे तो हम कैसे गिन रहे थे, एक दो तीन चार, ठीक, एक ये पूरा पांच, ऐसे ही हो रहा था, लेकिन हमें ट्रिक क्या है ना, आर इंटू सी, देखो R इंटू सी, पहले R इंटू सी, सी की काउंटिंग करने लिए एक दो, ठीक, C में एक दो, दो ही कॉलम है, और R में कितने, एक दो, ठीक, तो क्या करना है, लास्ट वाले गुणा, उसके बाद जो बचा है उसका उसका गुणा, तो लास्ट लास्ट दो दो का गुणा हो गया, बचा एक 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 का, एक ही में गुणा होगा, तो एक टोटल हो गया हमारे पांच पांच, देखो ये नहीं समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा, देखो कैसे, ये समझाता हूं, देखो कॉलम की संख्या लिख लो एक दो तीन, कितने हो गए, तीन, आर रो, रो की संख्या लिख लो, रो कितने हैं, एक और दो, ठीक, अब लास्ट वाला, लास्ट वाला रो की संख्या देखो, आर हो गया यहाँ पे, हो गया सी, ठीक, लास्ट आर देखो कितना है हमारे पास, दो, ठीक, लास्ट सी हमारे पास कितना है, तीन, तो ये कितने हो गए, तीन दूनी छः, ठीक, उसके बाद देखो उसके पहले आर से पहले अब कौन सी संख्या बची, एक, गुड़, अब सी की उससे पहले कौन सी संख्या थी, तीन से पहले दो, क्या बचा अब हमारे पास, दो एकम दो, ठीक, अब हमारे पास R कोई बचा ही नहीं है, एक तो लिख ही लिया, और C बचा, C से कोई मतलब नहीं, तो ये हमारे पास कितने आ गए, छः और दो आठ, बराबर कितने आ गए, आठ, ठीक, समझ में आया, अगर हम इनको ऐसे गिनते हैं तो कैसे गिनेंगे, देखो ये आठ आ गए हमारे पास, ये हमारी ट्रिक होती है, ठीक, लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या, उससे पहले फिर उससे पहले, अब आगे कुछ बचा नहीं, देखो यहां नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट समझ में आएगा, देखो कैसे, अगर हम इनको ऐसे ही गिनते तो कैसे गिनते, ऐसे ही अगर गिनते, छोटा है तो हम गिन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक दो तीन चार पाँच छ, ये छः हो गए, छ छः तो ये हो गया हमारे पास, सातवां कौन सा है, सातवां हमारा ये हो गया, ठीक, इसके आमने सामने भुजा बराबर बराबर है ना, सातवां हो गया, आठवां हमारा ये हो गया, ठीक, तो ये हमारे पास आठ निकल के आए थे टोटल आठ, ये नहीं हो सकता, ये पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा आयत, तो सभी वर्ग आयत, बताओ सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, तो ये आयत हमारा वर्ग नहीं होगा, तो हमारे के पास कितने निकल गए, आठ, ठीक, चलो अब यहाँ पे ट्रिक लगाओ जल्दी से, अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, एक दो तीन, सी की संख्या एक दो तीन, आर की संख्या एक दो तीन, ठीक, अब क्या करना है,
क्या करना है, लास्ट वाला आर और यहाँ पे सी लिख लो, लास्ट का आर तीन, लास्ट का सी कितना तीन, गुणा कर लो कितना आया नौ, फिर उससे पहले आर कितनी दो, भाई दो नंबर, उससे पहले सी कितना दो आ गया, कितने दो दूनी चार, उससे पहले अब क्या बचा एक ही बचा ना एक, सी की भी संख्या एक बची, एक गुणे एक कितना आया एक, तो गिन लो नौ चार तेरह एक चौदह, कितने संख्या निकली नौ चार तेरह एक चौदह, चौदह टोटल संख्या, ठीक टोटल संख्या कितनी निकली हमारे पास चौदह। अब अगर हम ऐसे गिनते हैं, देखो ऐसे ही हम गिनते हैं ठीक, ये चीज़ चौदह आपको समझ में आई, ऐसे गिनते हैं एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पाँच हो गया छः हो गया सात हो गया आठ हो गया नौ, नौ तो ये निकल के आ गए ठीक, नौ ये निकल के आ गए। अब देखो दसवां इसमें कौन सा होगा, दस, दस ये दसवां हो गया। अब देखो ग्यारहवां कौन सा होगा, ग्यारहवां ठीक ये ग्यारहवां होगा। अब देखो इसमें बारहवां कौन सा हो रहा है, देखो बारहवां कौन सा हो रहा है, बारहवां सॉरी बारहवां हो रहा है ये ठीक। अब तेरहवां कौन सा हो रहा है, ये देखो तेरहवां ये हो रहा ठीक, तेरहवां हो गया समझ में आया आपको। अब तेरह तो ये हो गया, अब बचा हमारा ये बार बराबर है ना, ये पूरा इसके आमने सामने की भुजाएं पूरी बराबर है, चौदहवां ये हो गया, टोटल हमारे पास कितने निकल के आ गए चौदह निकल के आ गए। तो हम इस तरीके से लगाएंगे, ऐसे हम निकालेंगे कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो हमें अपनी ट्रिक से निकालना है ठीक। अभी ऐसे दो चार क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा। अब आपको ही निकलना तुरंत जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक। यहाँ से मिटा लूँ मैं, देखो अब आप खुद ही लगाएंगे, देखो इतनी आसानी से लगाएंगे। चलो मैं बना देता हूं आपको, ये वाला जल्दी से पूरा करना है। अरे भाई टेढ़ा मेढ़ा बन जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम सिर्फ बोर्ड में सीखने के लिए बना रहे हैं। एक दो तीन चार, चलो इसका जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका, इसमें टोटल नंबर जल्दी से बताओ कितने होंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे लिख लिया सी, यहाँ पे लिख लिया आर, अब नंबरिंग कर लेना जल्दी जल्दी से। देखो एक सी की नंबरिंग कर, दो तीन चार ठीक, अगर आर की नंबरिंग करो एक दो तीन चार, तो क्या करना है आर यहाँ पे सी लिख लें, आर का लास्ट कितना है चार, सी का लास्ट कितना है चार, ये कितना हो गया हमारे पास सोलह ठीक। उसके बाद आर का उससे पहले कितना है तीन, उससे सी का उससे पहले कितना है तीन, कितना होगा तीन त्रिका नौ, उससे पहले आर का कितना है दो, उससे पहले सी का कितना है दो, कितना हो गया चार, उससे पहले आर का कितना एक, उससे पहले सी का कितना एक, तो कितना हो गया एक, तो गिन लो देखो सोलह नौ कितने हो गए पच्चीस, पच्चीस और नौ सोलह नौ पच्चीस उनतीस एक तीस, टोटल संख्या कितनी आई तीस, ये हमारा आंसर है। देखो कितना सोलह नौ पच्चीस, पच्चीस पाँच तीस ठीक, ये हमारा आंसर है ठीक। समझ में आ गया आपको, अगर आपको यहीं ऐसा दे दिया जाता, कहीं अगर ऐसा दे दिया जाता तब आप क्या करते, अब आप क्या करते, कुछ नहीं करना है, अब वही करना है आर और सी, ये सी हो गया ये आर हो गया ठीक। आर का कितना है एक दो, सी का कितना है दो तीन चार ठीक। तो क्या करना है आर पहले लिख लेना फिर सी लिख लेना, आर की लास्ट वाली संख्या दो, सी की लास्ट वाली संख्या चार, तो कितना हो गया हमारे पास चार दूनी आठ, आर की उससे पहले एक, सी की उससे पहले तीन, तीन एकम तीन ठीक। अब उससे पहले आर में कोई नंबर ही नहीं है, तो बस ये काउंट कर लो आठ नौ दस ग्यारह, टोटल संख्या कितनी आई ग्यारह। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझाने की देखो मैंने कोशिश भी की। अब आप वर्गों की संख्या तुरंत काउंट कर लेंगे कितने इसमें वर्ग होंगे ठीक है। ट्रिक समझ में आई, मजा आया सच बताना। अब देखो आयत की संख्या हम कैसे काउंट करते हैं, आयत वर्ग तो सीख लिया, आप आयत देखो ठीक है। समझ में, पहले मैं छोटा सा क्वेश्चन समझाऊंगा उसके बाद बड़ा क्वेश्चन समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से ठीक। भूल ना जाना आयत और वर्ग में डिफरेंस ठीक। अब देखो मैंने जैसे ये आयत ये बनाया, इसमें आपसे पूछा गया आयत की संख्या, आयत की संख्या जल्दी से बताओ, तो हमें क्या करना होता है तुरंत काउंटिंग कर लेता एक और दो ठीक। और ये देखो एक और दो, तो इसमें क्या करना होता है, देखो इसमें कुछ नहीं करना होता, वन प्लस टू बराबर थ्री ठीक। इसमें तीन है आयत, कैसे एक तो दो और ये तीसरा, मैंने आपको क्या बताया था सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, सभी वर्ग आयत हो सकते हैं ठीक है, तो सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं। जैसे आपके पास ये लिखा है, अब जल्दी से बताओ ठीक, तो इसमें क्या करना होता है नंबरिंग कर लो वन टू थ्री, तो कितना हो गया हमारे पास थ्री प्लस टू प्लस वन, कितना है तीन दो पांच एक छह, छह आयत। कैसे देखो एक दो तीन, उसके बाद
ये चार और एक ये पांच और एक छह। देखो छह कैसे होते हैं इसमें, देखो तुम्हें बताएं, एक दो तीन तो ये हो गए, तीन के बाद ये चौथा, चौथे के बाद ये देखो पांचवा, पांचवे के बाद ये पूरा देखो, पांचवे के बाद ये पूरा देखो छठा, छह निकल गया है। अब समझ में आ रहा है आपको, इनमें क्या करना है था? इन सबकी नंबरिंग करके काउंट कर लेना होता है, ठीक। मान लो ये ऐसे आ गया, अगर मान लो ये ऐसे आ जाता तब आप क्या करते, इसमें आयत बताना, इसमें इसमें आयत बताना ना कि वर्ग, आयत की संख्या, ठीक। इसमें क्या करना, नंबरिंग कर लो, एक दो तीन, इसमें कितना निकल गया है, एक दो तीन, उसके बाद यहां पे एक और दो, ये सी हो गया, ये आर हो गया। तो क्या करना होता है, सी की काउंटिंग कर लो। सी की काउंटिंग कैसे करते हैं हम, ऐसे करके सी की काउंटिंग, वन प्लस टू प्लस थ्री कितना हो गया हमारे पास, तीन दो पांच एक छह। फिर आर की काउंटिंग कर लो, ये सी हो गया, आर की काउंटिंग कर लो, वन प्लस टू कितना आ गया, दो एक तीन, तीन। फिर इसका इसका गुणा करा दो इसमें, तो कितना हो गया, अठारह। ये हमारे आयत की संख्या अठारह, ठीक है, समझ में आया, आयत की संख्या अठारह। ये आयत का है, आयत का फॉर्मूला आर इंटू सी, लेकिन आर इंटू सी का आर पहले सब प्लस हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये प्लस हो जाएंगे, तब सी होगा, ठीक। उसमें क्या करना था हमको, उसमें हम लोग क्या करते थे, ऐसे कर लेते थे। देखो आयत इसमें कितने होते, इसमें आयत कितने होते, वो वर्ग, वर्ग कितने होते जल्दी से बताओ, इसमें वर्ग कितने होते, जी हमारा ऐसा लिखा है, ऐसा बना है, देखो ऐसा नंबरिंग क्या, एक दो तीन, नंबरिंग क्या थी, एक दो। तो हम क्या करते थे, आर लिख लेते थे, सी लिख लेते, ये वर्ग मैं बता रहा हूँ वर्ग, ठीक। आर लास्ट वाला कितना, दो, और सी लास्ट वाला कितना है, तीन, कितना है, तीन दूनी छः। उसके बाद आर लास्ट वाला कितना, एक, सी लास्ट वाला कितना, दो, तीन दूनी छः और दो एकम दो, तो कितने निकल के आए हमारे पास, आठ। यहाँ पे आठ वर्ग आठ थे, लेकिन आयत कितने हैं हमारे पास, आयत हमारे पास अठारह है, वर्ग हमारे पास सिर्फ आठ थे, ठीक है। तो सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, प्लस आयत तो आयत है ही, तो आयत को आपको कैसे निकालना वो चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक। अब देखो, देखो इससे बड़ा क्वेश्चन मैं यहाँ पे मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। इनको क्या कहते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री कर देते हैं, सी को टोटल काउंट कर लेते हैं, छः आ गया। फिर आर को काउंट कर लेते हैं, वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री। इनका इनका आपस में गुणा करा देते हैं, छेती हूँ अठारह, ठीक। छोटा क्वेश्चन लेके देखो, वन प्लस टू कितने हो गए, थ्री हो गए, टोटल इसमें तीन है, एक दो और पूरा तीन। इसमें देखो, तीन दो पाँच एक छः, छः तो ये हो गए, तीन दो पाँच एक छः, तीन दो पाँच एक छः, छः है ना, और छः हो गए। देखो कैसे हो गए, एक दो तीन, एक चार, एक ये पाँच और एक पूरा ये छः, ठीक, समझ में आया। अब देखो सभी, देखो सभी वर्ग आयत तो हो सकते हैं। अब एक देखो, एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लें, अब इसको आपको जल्दी से करना है, जल्दी से इसको जल्दी से करो, इसमें आयतों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट। मैंने ये बना दिया आपको डायग्राम, इसमें आपको संख्या बतानी है, ठीक है। किसकी संख्या बतानी है, आयतों की संख्या बतानी, किसकी, आयत की संख्या, आयत की संख्या, ठीक, आयत की संख्या, जल्दी से बताओ। तो मैंने कहा सभी वर्ग आयत तो हो सकते हैं, अब इसमें क्या करना है, ये हमारा सी होगा आर, नंबरिंग कर लो फटाफट, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ठीक, आर की एक दो तीन, ठीक। अब क्या करना होता है इसमें, आयत में क्या करना होता है, देखो सी का, सी का कितना हो गया, वन प्लस टू प्लस थ्री कितना हो गया, ये तीन दो पाँच एक छः। आर का कितना हो गया, देखो वन प्लस टू प्लस थ्री, आर भी यही वन प्लस टू प्लस थ्री, ये भी हमारा कितनी, कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, टोटल आ गया छत्तीस। तो आयतों की संख्या कितनी आई, छत्तीस, ठीक। आयत कितने हो गए हमारे पास, छत्तीस आयत, आयत हो गए छत्तीस, ठीक। अगर यहीं पे पूछ देता वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या, तब हमें क्या करना होता था, वर्गों की संख्या था, हम क्या लिखते हैं, आर और सी लिखते हैं। तो लास्ट वाला देख लो, आर का लास्ट वाला तीन, सी का लास्ट वाला तीन, तो तीन तुरका हमारे पास नौ हो गया। आर का लास्ट वाला दो, सी का लास्ट वाला दो, तो कितना हो गया हमारे पास, चार, चार। उसके बाद आर का लास्ट वाला एक और सी का लास्ट वाला एक, तो कितना हो गया एक, टोटल हमारे पास कितने, नौ चार तेरह एक चौदह निकल के आते थे, चौदह हमारे पास वर्ग निकल के आएंगे इसी, ठीक। चौदह वर्ग थे इसमें और आयत कितने थे, छत्तीस, ठीक। तो ये चीजें आपको समझ में आई, तो आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज की संख्याएं गिनना, ठीक है, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, मुझे ड्यूटी भी जाना है, तो आगे नेक्स्ट में बताऊंगा आपको त्रिभुज निकालना, त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करते हैं, बहुत आसान ट्रिक के साथ, ठीक है। और शाम को आपको मैराथन मिली जाएगी, मैथ की क्लास बहुत जबरदस्त होगी, तो उसको देखना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, जय हिंद जय भारत।